अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे पास रेडियन का इन्वर्टर है या आप कोई भी ब्रांड हो सकता है, तो हमें इसमें सीखना है कि कैसे जो है हमने इसका वोल्टेज चेंज करना होता है, कैसे करते हैं उसमें वोल्टेज बढ़ाते हैं। इससे आउटपुट का जो सेटिंग पॉइंट होता है ना, जो हाँ जी हाँ जी ये प्रीसेट होता है आउटपुट का, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। अच्छा अच्छा तो सर एक ही बटन होता है क्या, एक ही होता है? अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग होता है। अच्छा अच्छा ये आउटपुट सेटिंग के लिए होता है, जिससे अपन अभी पंखे स्लो चल रहे थे अपन ने फास्ट कर दिए इनको, ठीक है जी। ये होता है इन्वर्टर फ्रिक्वेंसी के लिए, ठीक है। इन्वर्टर की जो अपनी मेन इन्वर्टर की फ्रिक्वेंसी होती है ना, जो वेव चलती है जो, उसके लिए ये होता है। अपने इन्वर्टर की ड्राइव वोल्ट, जो ड्राइव वोल्ट अपने इन्वर्टर या मोसफेट को जो मिलती है वोल्टेज, उसके लिए होता है। ये चार्जिंग पॉइंट होते हैं, यहाँ से अपन चार्जिंग सेट करते हैं, यहाँ से चार्जिंग कंट्रोल करते हैं अपन जो बैटरियों को, ताकि बैटरी ओवर चार्जिंग ना करे, ठीक है जी। ये अपना ओवरलोड सेटिंग प्रीसेट है, यहाँ से आप ओवरलोड सेट करते हैं। अगर आप इसको ये आउट हो जाता है तो अपना लोड नहीं उठाएगा, इन्वर्टर बंद हो जाएगा, ओवरलोड की बीप देगा आपको। हाँ अभी फिलहाल ठीक है, ये सही चल रहा है। अभी आप लोड चेक कर लीजिए पहले, पंखे ट्यूब अपने चला के, कोई कमी पेशी कोई भी शिकायत लगे आपको तो आप मेरे को बताइए एक बार। तो ये जो है मैंने आपको बताया इन्वर्टर के बारे में, इसमें कैसे वोल्टेज को अप करना है, डाउन करना है, सेट करना है। अभी कितनी वोल्टेज सेट करके अपन ने अभी सेट किया है जी इन्वर्टर के ऊपर 260 वोल्ट इसके जी। अच्छा 260 करके। हाँ जी, जैसे लोड पड़ता है तो वोल्टेज दबती है, क्योंकि इन्वर्टर है, छोटा ट्रांसफार्म है इसका, जैसे एक तो बिजली का मेन लाइन का ट्रांसफार्म होता है उसमें वोल्टेज दबती नहीं है, तो बड़ा ट्रांसफार्म होता है, इसमें छोटा ट्रांसफार्म, जैसे आप लोड बढ़ाएंगे तो वोल्टेज दबती है। 260 रखी है उसका वोल्ट, लोड चलेगा उसकी 245 40 45 पे ही सेट रहेगा ये। तो कैसे पता चलेगा कि इसमें आपने 260 डाली, चेक किया है क्या? मीटर है मेरे पास, मल्टीमीटर से चेक करके बताओगे कैसे हो रहा है? तो कहाँ पर लगाना होता है मल्टीमीटर? मल्टीमीटर तो ये यहाँ पे जो उसके जैक्स होते हैं ना, जैक्स के अंदर जो जहाँ से वायर निकलती है, वायरिंग के अंदर, यहाँ से सेट करना पड़ता है। अब ये देखिए वोल्ट मीटर के अंदर आपको कितनी दिख रही है, 258। ये सर्किट से घूम के वोल्टेज कम हो गई जा रही है आगे, ये जा रही है आपकी 250 48 50 वोल्ट है। इसमें कोई नुकसान नहीं होता प्रोडक्ट को अपने, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक चल रहा है ये। अच्छा फिर 256 या 260 सेट करना। इन्वर्टर की जो वोल्ट होती है वो अपने 260-70 तक भी अपने एस्टिमेट को कोई नुकसान नहीं होता। तो इसमें क्या सेटिंग, ये किस कैसे सेटिंग करके आपने? ये सेटिंग नहीं है, मीटर है चेक करने के लिए। ये मीटर में कैसे सेट करना होता है? मीटर पे सेट नहीं करना, सेटिंग आप यहीं से कि मीटर, ये सिर्फ अपने को डिस्प्ले देखने के लिए है ये कितने वोल्ट अपनी चल रही है। नहीं मतलब कि ये इसमें कहाँ पर लगाना है और ये 60 यहाँ पे आपको दिख रहा है एसी वोल्ट, ये एरर का निशान है ना एसी का, यहाँ पे एसी 600 पे करके आप चेक करेंगे इसको, ये एसी वोल्ट है। अगर इस साइड करेंगे यहाँ डीसी वोल्ट चेक होते हैं, सारी बैटरियाँ चेक होती हैं यहाँ पे, यहाँ पे छोटे के कंपोनेंट वगैरह रेजिस्टेंस वगैरह चेक होती है, ठीक है। यहाँ पे मेगा ओम्स की रेजिस्टेंस चेक होती है, अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग पोर्शन है सारा कुछ उसका, ठीक है जी। इन्वर्टर ओके आपका बिल्कुल ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए जो आपके डाउट्स। कैसे रहे?